हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सारे? होप कि आप सब बहुत अच्छे गए। तो इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ साथ टूर एंड ट्रैवल भी कर रहा हूं मैं। अभी रिसेंटली अयोध्या होकर आया हूं, काफ़ी सही वीडियो बनाया था। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक, आई बटन में लिंक डाल दे रहा हूं, जाके देखो। अभी मैं आया हुआ हूं रामनगर के फोर्ट पे। तो ये रामनगर का फोर्ट है जिसका बैक पार्ट है। इसकी एक स्टोरी बता दें अंदर जाने से पहले। गाइज, ये जो फोर्ट है पानी के बीचों बीच, गंगा नदी के बीचों बीच बनाया गया था, लेकिन समय के साथ गंगा घटती गई और ये किनारे पे आ चुका है। तो ये देख लो, अभी जो फोर्ट है एकदम किनारे पे है, बट इसका कुछ पार्ट जो है टच होता है गंगा नदी से। तो अभी फोर्ट के अंदर चलेंगे। आधा डेढ़ घंटा पहले हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे, इसलिए मैं इधर पीछे आया हुआ हूँ। साथ में सूरज है, अंदर चलते हैं मेन गेट से, फिर बातें करते हैं। वेल गाइज, एंट्री कुछ यहाँ से स्टार्ट हो जाती है रामनगर किले की। तो ये है मेन गेट, यहाँ से एंटर होंगे। अभी भी आई थिंक 10 मिनट बाकी है, 10 मिनट के बाद एंट्री होगी। 10 मिनट पहले ही मैं आ गया हूँ, तो अभी अंदर चलेंगे। साथ में सूरज भी है, तो कुछ ऐसा देख लो। तो यहाँ से एंट्री ले चुके हैं किले के अंदर। तो किला जो है कुछ इस टाइप का है। ये इसका आंगन कह लो, मेन कॉरिडोर कह, कॉरिडोर तो नहीं कह सकते, मेन जो है इसका बीच में जो सेंटर है किले का, वो यही है। और यहाँ पे पुलिस वालों ने वॉलीबॉल कोर्ट बना रखा है। और देखो भाई, a little sweet and spice, throw it all in a cauldron, mix it up real nice, fire in my eyes। मतलब काफी बड़े बड़े तोप मेन गेट पे भी दो ठे थे, अंदर भी दो चार हैं, मैं देख पा रहा हूँ। और इसका मैकेनिज्म तो मुझे नहीं पता। एक सर थे, उनको कैमरे में इंटरेस्ट आया। हाँ, तो मैं बात कर रहा था ये तोप की, तो इसका मैकेनिज्म तो मुझे नहीं पता। और एक टाइप का इधर भी पड़ा हुआ है, ये इसके बारे में अगर कुछ लिखा हुआ तो मैं बता रहा हूँ, आई डोंट नो। बट यार इसके अंदर कुछ फंसा पड़ा है, ये फंसाएगा, आई डोंट नो, पता नहीं ये क्या है। अगर आप लोगों को पता है कि ये क्या है, प्लीज़ मुझे बता दो यार। मतलब काफ़ी सटीक लग रहा है, इस पर कुछ लिखा भी है, ये डेट है 3/0/11 कुछ करके। और सूरज अभी टिकट काउंटर के लाइन में लगा पड़ा है। और ये देख लो पो भाई, मैं किसी चीज़ को टच नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ आप भी आ रहे हो तो टच ना करो, दूर से फ़ोटोज़ ले लो, वो अच्छा रहेगा। तो कैडिलैक, ये है कैडिलैक, मतलब भाई वन ऑफ माय फेवरेट कारों में से एक है गाइज। इस क्लासिकल कार है ये गाइज। ये सारे म्यूजियम्स हैं, मैं इनमें से होके आ चुका हूँ। अंदर फ़ोटो लेना मना था, लेकिन जितना हो सका उतना मैंने ले चुका है। तो अगर लोग कहेंगे तो मैं डिलीट करूँगा, अगर नहीं कहेंगे तो मैं रख लूँगा। तो मैंने बात किया, मैंने पूछा यहाँ पे बना सकता हूँ, इन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल बना सकता हूँ। एक मंदिर का रास्ता यहाँ से जाया करता था जो कि अब बंद हो चुका है, सो घाट होके चलेंगे वहाँ से। एंड भाई साहब इसका व्यू देखो, एंड ये सेंटर हुआ करता था इस किले का, मेन सेंटर यही था। मैं उसको बोल दिया था सॉरी फॉर डैट, बट मेन सेंटर यही था। चलो अब घाट के लिए चलते हैं, लेट्स गो। थैंक यू सर, सर ने परमिशन दे दिया है वीडियो बनाने का। अंदर म्यूजियम में तो नहीं मिला, बट यहाँ पे तो मिल गया भाई, लेट्स गो। और ये देखो गंगा घाट जाने का रास्ता जो कि यहाँ से होके जाता है। और भाई साहब भाई, इसमें चमगादड़ काफ़ी सारे हुआ करते थे। मैं एक बार आया था तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चमगादड़ थे, मतलब बैट्स, जिसको बैट्स बोलते हैं। और देखो अगर आप मेरे जैसे लंबे हो तो आपका सर दो तीन बार फूट सकता है कहीं कहीं, कि जो कि मैंने ऑलरेडी फोड़ रखा है। और ये देखो गाइस, ये किसी चीज़ का गेट है जो कि बंद हो रखा है। इस मंदिर की कुछ स्टोरी ऐसी है कि राजा ने, हाँ फाइनली, तो देखो यहाँ पे
यहाँ पे मैं एक बार आया था तो पहले पानी ऊपर तक था, बट ये काफ़ी ज़्यादा डीप हो गया, मतलब काफ़ी नीचे चला गया है। कुछ समय पहले हम लोग उधर ही खड़े थे, बट अब किला के ऊपर खड़े हैं। और देख लो ये अभी भी नीचे काम चल रहा है, मिट्टी कटाव कर रहे हैं लोग। इस मंदिर की स्टोरी ये थी कि किला बनाने से पहले राजा ने, ये शिव मंदिर है आई थिंक, बाबा ये शिव मंदिर है ना, काशी व्यास मंदिर भगवान शिव का ही है ना, तो ये महाराजा ने ये मंदिर स्थापित किया था, उसके बाद किला का निर्माण शुरू हुआ था। बाबा मैं सही बता रहा हूँ? और कुछ बताइए किला के बारे में, क्या बताइए। महाराजा साहब 1742 में की मंदिर का स्थापना करके, 1742 में, 1742 में ये किले का निर्माण किया है, गंगा के बीचों बीच। यहाँ पे दो मंदिर है जी, ये रामेश्वर जी का, वो वेद व्यास जी का है, 5000 साल पहले, 5000 साल पहले महाभारत के समय का, महाभारत के समय का वो मंदिर है गाइस। उस पे भी चलेंगे हम लोग अभी। सो बाबा मिले, लोग आते हैं काशी में यात्रा करते हैं, हाँ यहाँ पे नहीं आते हैं, काशी आने का फल नहीं होता है। अच्छा अच्छा, इसी के वास्ते आते हैं। ये किला से संबंध नहीं है, ये किला से बहुत पहले का मंदिर, ये पब्लिक स्थान है। अच्छा अच्छा, तो यहीं से रास्ता है ना। तो गाइस चलते हैं उस वाले मंदिर पे जैसे कि बाबा ने बताया, और लेट सी, वो 5000 साल महाभारत के टाइम का मंदिर है, मतलब समझ सकते हो गया कितना प्राचीन मंदिर है। और ये देखो गाइस कितना मस्त लग रहा है। गाइस काफ़ी सारी फोटोबाजी हम लोगों ने कर ली, अब चल रहे हैं महाभारत के टाइम के मंदिर पे। तो भाई यहाँ पे मत्था टेकते हैं। ये जैसा आपने बाबा से सुन ही लिया होगा, तो मेरा काशी आना सफल हो गया फाइनली। और भाई ये किला की दीवारें देख रही हो, देख रही हूँ मैं बोल रहा हूँ, देख रहे हो तुम लोग। और भाई साहब हाइट में दिखाता हूँ, हटना भाई था। ये देखो गाइज हाइट देखो, मतलब लिटरली काफ़ी ज़्यादा डीप है। मैंने जैसा कि बताया गाइज, ये किला जो है नदी के बीचों बीच बनाया गया था, तो वो बात एकदम सही है, ये नदी के बीच का किला है गाइज। ये किला का पीछे का पार्ट है, और ये है 5000 साल पुराना मंदिर। और ये हाइट देखो बस आप लोग, मतलब देख रहे हो हाइट देखो, लिटरली ये 60 फिट तो होगा, 60 फिट से ज़्यादा ही होगा। कोई ना, चलो हम लोग इस मंदिर में मत्था टेकते हैं। तो ये मंदिर है, अब चलो यहाँ से निकलते हैं वापस घर के लिए, अब सीधे घर चलते हैं गोरखपुर। और इस व्लॉग को, रामनगर के व्लॉग को यहाँ तक देख लियो, अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में बताना कैसे लिए वीडियो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बाय, #peace, आई नो यू लव मी। Stir counterclockwise, I dream of you all night.